गुलाब जामुन बनाएंगे, तो आइए चलते हैं। तो अब हम लोग खोआ बनाएंगे। अगर आप लोगों के पास खोआ अवेलेबल हो तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, पर मैं अभी खोआ बनाऊंगी। ये मैंने लिया है 1.5 कप मिल्क पाउडर, ये आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दूध और ये घी। तो आइए खोआ बनाते हैं। हम लोगों ने कढ़ाई ले ली है, लेकिन अभी हमें फ्लेम ऑन नहीं करना। हम इसमें डालेंगे सबसे पहले दूध, फिर घी, फिर इसको अच्छे से ऐड कर मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लिया, अब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे, उसके बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे। हमने सबको मिक्स कर लिया अच्छे से, अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है, अब हम अपनी फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है। तो इतने हमारा खोआ ठंडा हो रहा है थोड़ा सा, इतने हम लोग चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक बर्तन में पानी डाल लिया, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने एक कटोरी चीनी ली है। हम लोग चाशनी में थोड़ा सा केसर डाल देंगे और इलायची, आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे चाशनी का टेस्ट और कलर दोनों अच्छा है। तो अब हम अपना डो तैयार कर लेंगे, जिससे हम बॉल्स बनाएंगे गुलाब जामुन की। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच मैदा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हमें यूज़ नहीं करना है, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अब इसको अच्छे से मथेंगे। अब हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है, अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ये थोड़े से फूलेंगे भी तब हम इन्हें फ्राई करेंगे, इसलिए ज़्यादा बड़े पीसेस में ना काटें। तो ऐसे ही हम सारे पीसेस की बॉल्स बना लेंगे। तो अब हमने बॉल्स बना ली हैं, अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो अब हमारी कढ़ाई में ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें बॉल्स डालेंगे। हमें तेल को ज़्यादा गरम नहीं करना है। और इसको चलाते रहना है। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हमने अपने गुलाब जामुन को इस चाशनी में डाल दिया और ये चाशनी अभी गर्म ही है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे, जब तक ये गुलाब जामुन इस चाशनी को अच्छे से सोक नहीं कर लेते। अब हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।